क्या संबंध मेरा और एकनाथ जी पालक मंत्री का जो झगड़ा है वो बाद में स्टार्ट हुआ। उसके पहला मेरा झगड़ा वो आयुक्त से स्टार्ट हुआ था। मैंने झगड़ा किया, मैंने केस लिया, लेकिन लोगों का तो भला हुआ, मेरा तरीका अलग होगा लेकिन लोगों का काम करना, यही मेरा उद्देश्य। और लोग कहते हैं अविनाश जाधव ने भी आयुक्त को गाली दी तो उसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। वो आदमी का मैंने नाम ही नहीं सुना है, मैंने वो आदमी को कभी देखा नहीं है। शिवसेना वाले उसको कीमत नहीं देते तो वो आदमी को मैं क्यों कीमत। देखिए, इसके पहले बहुजन आघाड़ी विकास आघाड़ी पे वसई में आके बोलने वाला मैं पहला लड़का था। मैंने बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ एक जाहिर सभा रास्ता बेरर है, बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ इसने मोर्चा खोल दिया है। वो टाइम अच्छा था, आपके खिलाफ आया तो आपको लगा मैं कठपुतली हो गए। और इतने साल फिर शिवसेना क्यों नहीं बढ़ी वसई विरार में, क्यों आप कठपुतली थे? वक्त लेने बड़ी काम नहीं है, मैं घुस जाऊंगा तो वक्त मिल गया। मैंने कहा है कुछ दिन में मैं आयुक्त साहब का सत्कार करने वाला हूँ, सच में करने वाला हूँ। आक्रामक ही रहेंगे अविनाश जाधव, क्यों होता हूँ? जिधर अच्छा है मैं उनके साथ अच्छा हूँ, जो काम करते हैं उनके बारे में मैं अच्छा बात करता हूँ। सवाल सीधा उत्तर दीजिए, क्या आपको लगता है बीती सत्ता ने सही ढंग से काम किया या नहीं? नहीं किया। अगर उन्होंने सही ढंग से काम किया होता, उन्होंने प्लानिंग किया होता तो आज वसई विरार इस तरीके से नहीं बढ़ता। तो काम होते हैं तो मुझे लोग अंदर भेजने, मैं किसी के साथ भी गठबंधन कर सकता हूँ। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जिस व्यक्ति जब वो व्यक्ति बोलता है तो बेधड़क और बेबाक हर सवाल का उत्तर है उसके पास। लेकिन वसई विरार में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की चर्चा है इन दिनों, एक व्यक्ति के नाम पर अविनाश जाधव, उसके कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हो पाए। उन सारे सवालों के हम उत्तर जानेंगे अविनाश जाधव से कि आखिर आने वाले समय में जो महानगर पालिका का चुनाव है और आयुक्त के बीच में जो इनकी तनाव है उसके पीछे का जो सच है वो जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक तमाम तरह की बातें सामने आई हैं लेकिन एक हकीकत जो अभी किसी के पास नहीं पहुंची होगी उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे अविनाश जाधव से और बात करेंगे अविनाश जाधव के इस पूरे यात्रा के विषय में और आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में किस प्रकार का इनका कदम होगा उसके विषय पर। अविनाश जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। अविनाश जी, सबसे पहला सवाल, आयुक्त और आपके बीच में जो तनाव पैदा हुआ, आपने एक संबोधन दिया था कुछ दिन पहले, उसमें कहा था कि आपने कोविड सेंटर की अव्यवस्था को देखकर आप वहां पहुंचे थे, लेकिन जो एक अलग वातावरण, ये सवाल चूंकि उत्तर आप कई बार दे चुके हैं लेकिन जो अंदर की बात ये निकल कर आती है कि वो जो आयुक्त आए उनको भेजे गए, वो महाराष्ट्र सरकार के एकनाथ शिंदे जी की तरफ से भेजे गए इसलिए उनका विरोध आप करते हैं, ऐसा बहुत वातावरण है, इसका क्या सच है? क्या संबंध मेरा और एकनाथ जी पालक मंत्री का जो झगड़ा है वो बाद में स्टार्ट हुआ। उसके पहला मेरा झगड़ा वो आयुक्त से स्टार्ट हुआ था। मैंने कोविड सेंटर के खिलाफ, कोविड सेंटर में कुछ लोगों ने वीडियोस सोशल मीडिया पे डाले थे और कुछ लोगों ने मेरे को वहाँ से वीडियो कॉल करके रो रहे थे कि हमें खाने में मखिया जैसी कुछ चीज़ें मिल रही है, बाथरूम में जाओ तो पानी भरा रहता है, साफ़ सफाई नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। उनके लिए मैंने उनका वक्त मांगा था, उनके पीए को फ़ोन करके वक्त मांगा था, उन्होंने मुझे वक्त नहीं दिया। फिर भी लोग मुझे रोज़ फ़ोन कर रहे तो मैं लोगों को बोल तो नहीं सकता था मुझे वक्त नहीं दे रहे, इसलिए मैं डायरेक्ट गया उनके पास और मैंने मेरी जो जो परिस्थिति है वो उनको दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन वो आदमी खुद के ही दुनिया में जीता है, उसका लोगों से उसका कुछ वास्ता ही नहीं है। सो ऐसे आदमी को उसकी जगह पे लाना बहुत ज़रूरी था। देखिए, मैंने वो करने के बाद आपको कभी कोविड सेंटर से दूसरा वीडियो आया? नहीं आया। नहीं आया तो ठीक है ना, मैंने झगड़ा किया, मैंने केस लिया, लेकिन लोगों का तो भला हुआ, जंबो हॉस्पिटल बना बना ना। सो मेरा तरीका अलग होगा लेकिन लोगों का काम करना, यही मेरा उद्देश्य है। ये अच्छी बात है कि इस बीच पर जो इस तरह से एक दूसरा माहौल बना वो था एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम के, चूँकि परिवहन सेवा के उद्घाटन कार्यक्रम था, वहाँ पर शासकीय कार्यक्रम था। और ये ठीक है कि प्रशासनिक कार्यक्रम में बात उठाना, अपनी बात रखना, आंदोलन करना, नारे लगाना, ये सारी बातें जायज हैं, कर सकता है व्यक्ति। वो बात अलग की है कि उसका तरीका अलग था, लेकिन जो अपशब्द कहा गया पुलिसकर्मी के तरफ, उसके तरफ से आपके बयान भी आया कि अपशब्द ठीक है और तरफ से आपको, तो इस पर हुआ क्या हकीकत में? हकीकत में ऐसा हुआ था कि देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सामाजिक कार्यकर्ता, उसको अपनी बाबा साहब ने जो हमारी घटना लिखी है उसमें एक अधिकार है,
कि हम हमारी बाजू मान सकते हैं, हम हमारे हमें जो लगता है वो बोल सकते हैं। सो वो हमारा संवैधानिक अधिकार था और वहाँ हम गए थे। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, इसके पहले सीएम के भी कार्यक्रम में ऐसी चीज़ें हुई है, पीएम मोदी जी के कार्यक्रम में भी ऐसी चीज़ें हुई है। सो वो टाइम किसी को ऐसा मारा नहीं गया था, ऐसी गंदी गाली नहीं दी गई थी। और लोग कहते हैं अविनाश यादव ने भी आयुक्त को गाली दी तो उसकी सजा में भुगत रहा हूँ। लोग शिवसेना कहते हैं जो भी आप हमेशा शिवसेना को ऐसे हल्के में छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है उसका नाम। अभी बीच में एक सवाल आपसे पूछा गया था कि आपको कहा गया कि आप बहुजन विकास अघाड़ी की कठपुतली है, आपने पूछा आपको जिस व्यक्ति का नाम लिया गया आपने कह दिया वो व्यक्ति कौन है ये भी नहीं जानते। सच में नहीं जानता, सच में नहीं जानता। जो नहीं जानता वो नहीं जानता, जो चीज जानता वो जानता। वो आदमी का मैंने नाम ही नहीं सुना है, मैंने वो आदमी को कभी देखा नहीं है। शिवसेना वाले उसको कीमत नहीं देते तो आदमी वो आदमी को मैं क्यों कीमत दूं। तो यानी बात करने वाला भी कोई होना चाहिए ना, कि जिसका कुछ हो बेस। ऐसा आदमी बात करेगा जिसका बेस ही नहीं है तो ऐसे आदमी को मैं क्यों जवाब दूं। लेकिन फिर भी सवाल जो था क्या वो आधारहीन था या आधार युक्त था, लेकिन आपको आरोप पर क्या कहना है? देखिए, इसके पहले बहुजन अघाड़ी विकास अघाड़ी पे वसई में आके बोलने वाला मैं पहला लड़का था। मैंने बहुजन विकास अघाड़ी के खिलाफ एक जाहिर सभा राज साहब की ली थी। वो टाइम इनको क्यों नहीं लगा? वो टाइम तो बोल रहे थे अविनाश बहुत बढ़िया बात करता है, डेरर है, बहुजन विकास अघाड़ी के खिलाफ इसने मोर्चा खोल दिया है। वो टाइम अच्छा था, आपके खिलाफ आया तो आपको लगा मैं खिटपतली हो गए। और इतने साल फिर शिवसेना क्यों नहीं बढ़ी वसई विधान में? क्यों आप कठपुतली थे इसलिए नहीं बढ़ी होगी ना शिवसेना? आपका सीधे तौर पे है कि उनके वो खुद नहीं बढ़ पाए और आज आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, अपशब्द पर आते हैं। अपशब्द ने जो आपने इस्तेमाल किया था आयुक्त पर, उस पर अभी तक कोई आपने बयान नहीं दिया? नहीं, मेरी बयान सुनिए, मैंने दूसरे दिन बयान दिया था। मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ, मेरा वीडियो है फेसबुक पे, आप ठीक से देखिए। मैंने दूसरे दिन ही बयान दिया था कि मी रागात होतो आणि रागात जर माझ्या तोंडातून काही निघाला असेल तर मी दिलगिरी व्यक्त करतो, हे मैंने दूसरे दिन बोला था। आपको लगता है कि ये सही नहीं? देखिए, उन्होंने मुझे वक्त दिया होता तो मैं क्यों बोलता था? अभी भी वक्त नहीं दिया है। अभी भी वक्त नहीं दे रहे हैं। वक्त लेने बड़ी काम नहीं है, मैं घुस जाऊंगा तो वक्त मिल गया ऐसा। लेकिन मुझे क्या होता है, मैं कुछ भी करता हूं तो बेचारे जो पुलिस वाले हैं जिनके ऊपर ये सबका तनाव आता है, मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूं। मैं तो मेरे को क्या 5 मिनट में घर में जाके बात करूंगा उनसे, घर के बाहर खड़ा रह के बात करूंगा, ये बात नहीं है। मेरा कहना है कि कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ना चाहते, नहीं चाहते बेचारे, उनके ऊपर पहले ही बहुत प्रेशर है तो मुझे वो नहीं करना है। और मैंने अभी दाते साहब से भी बात की है और दाते साहब ने मुझे कहा है कि हम वक्त लेके लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में एक संबोधन में कहा कि आप सत्कार करेंगे, वो भी 2 दिन के या 4 दिन के अंदर। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, आप मेरा स्टेटमेंट सब ठीक से देखिए। मैंने कहा है कुछ दिन में मैं आयुक्त साहब का सत्कार करने वाला हूँ, सच में करने वाला हूँ। तो वो दिन जो बहुत जल्दी आने वाला है। सत्कार का तरीका अविनाश यादव स्टाइल रहेगा या वाकई में साधारण रहेगा? अगर उन्होंने मेरी हर चीज़ें मानी, मैं क्या मेरा पर्सनल काम नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं वो लड़की का काम लेके जा रहा हूँ जो टंक लेखन का काम करती थी और उन्होंने उनके घर पे उसको मच्छी काटने को लगाया। मैं वो लड़की का काम लेके जा रहा हूँ उनके पास। मैं लॉकडाउन के दरमियान मार्च से लेके जून तक एक बहुत ही कड़क लॉकडाउन था, वो टाइम में 15 लाख स्क्वायर फुट बांधकाम वैसे अनधिकृत बांधकाम वैसे विधान में कैसे बना, उसके बारे में सवाल पूछने जा रहा हूँ उनको। आज वहाँ की घन कचरा की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है, उसके बारे में उनको सवाल करूँगा। पानी नहीं आ रहा है वसई विरार में, वसई विरार में झुग्गियाँ बढ़ रही है, अनधिकृत बांधकाम बढ़ रहे हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। तो उसके बारे में उनको मैं सवाल पूछने वाला हूँ, जवाब देंगे तो ठीक है, नहीं तो है ऐसा अविनाश यादव स्टाइल बिल नहीं रहती है। देखिए, स्टाइल आपको तो हर वक्त ऐसा लगता है कि आक्रामक ही रहेंगे अविनाश यादव। क्यों होता हूँ, जिधर अच्छा है मैं उनके साथ अच्छा हूँ, जो काम करते हैं उनके बारे में मैं अच्छा बात करता हूँ। ये तो क्या माने कि समय मिला तो ठीक, नहीं तो देखेंगे। आप हर बात देखे में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। चलिए अगला सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपने अपनी जिक्र किया कि पानी नहीं आया, अव्यवस्थाएं हैं, सड़कें तमाम तरह सड़कों का मुद्दा बहुत बड़ा उठा, उसमें आप उस समय तो आपका आंदोलन दिखा नहीं, लेकिन ये सवाल ये है कि क्या ये आयुक्त के आने से पहले पूर्णतया वसई विरार में विकास हो चुका था? नहीं ना, उससे पहले मेरा एक अभी एक वीडियो आएगा, वो वीडियो में
जब से वसई विरार शहर महानगर पालिके में गया, महानगर पालिका जब से स्टार्ट हो गया वहाँ से अभी तक का जो प्रवास है किस तरीके से बना, और ये वसई विरार शहर है वो नवी मुंबई की तरह एक अच्छा डेवलप सिटी बन सकती थी, क्योंकि 2000 के बाद ये शहर बना, पिछले 20 सालों में ये शहर बना। सो वैसे भी नवी मुंबई भी वैसा ही एक शहर बना था। सो इसको ठीक तरीके से अगर डेवलप किया जाता तो ये ऐसी गंदी तरीके से बढ़ता नहीं था। आज वसई विरार एक हरित शहर है, वहाँ बहुत बड़ा समंदर किनारा वो शहर को लग के, और अगर उसकी स्थिति देखे तो बहुत भयानक है। आपने वो ट्रेलर जारी भी किया? मैंने किया है, और मैं एक अच्छा प्लान लेके आ रहा हूँ वसई विरार के लिए। एक सवाल सीधा उत्तर दीजिए, क्या आपको लगता है बीते सत्ता ने सही ढंग से काम किया या नहीं? नहीं किया। अगर उन्होंने सही ढंग से काम किया होता, उन्होंने प्लानिंग किया होता, तो आज वसई विरार इस तरीके से नहीं बढ़ता। मुंबई को लग के रहने वाला शहर है, वहाँ लोग ऑप्शन करके जाते हैं, वहाँ लोग ऑप्शन करके नहीं आते थे। मुंबई में घर परवड़ता नहीं है, इसके लिए वो लोग वहाँ आते। यहाँ एक बहुत बड़ा सुंदर शहर बनता था, वो नहीं बन पाया। गोवा के तरी से एक बहुत बड़ा, आज भी आप वसई के शहर दस्तों से अंदर से जाओगे ना, तो आपको लगेगा आप गोवा में घूम रहे हो, और बाहर जैसे आएगा तो आपको लगेगा यूपी बिहार में आए हो। सो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। बनाया जाता, प्लानिंग किया जाता तो बहुत अच्छा शहर बनता था ये। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं विकास नहीं हुआ, और अगर मन से आने वाले समय में, सुनने में आया है कि मन से आने वाले समय में हो सकता है गठबंधन भी किसी पार्टी के साथ जरूर करेंगे। अगर मैंने एक बार राज साहब के पास में गया था, तो साहब ने बहुत अच्छी तरीके से हमको बोला जब लो विधानसभा का रिजल्ट आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिसने पार्टी बदला वो हर एक आदमी गिर गया, लेकिन बोलता बाद में ऐसा हो गया कि आदमी छोड़ो इधर पार्टी ही बदली हो गया। मतलब जो शिवसेना के साथ था, बीजेपी के साथ था, वो कांग्रेस के साथ गया। सो ऐसे चीजों को हम क्या बोल सकते हैं? अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना एक हो सकती है तो मन से क्यों नहीं किसके साथ जा सकते? सुना ये है कि बीजेपी और मन से एक होने के लक्षण देखिए, इसका पूरा अधिकार सम्माननीय राज साहब को। आप संकेत क्या देते हैं? अगर मौके ने कहा, अगर हालात हुए तो देखो, मुझे पार्टी बढ़ानी है किसी भी तरह से, मुझे लोगों का काम करना है, रास्ते पे रह के एक सर्टन लिमिट तक मैं काम कर सकता हूँ। मेरे लोग अंदर जाने चाहिए, अंदर भी जो रास्ते पे आवाज गूंजता है वो महानगर पालिका के अंदर भी गूंजना चाहिए, तो काम होते हैं। तो मुझे लोग अंदर भेजने, मैं किसी के साथ भी गठबंधन कर सकता हूँ। ये थे अविनाश जाधव, और अविनाश जाधव ने अपनी पूरी प्रतिक्रिया में निश्चित रूप से उन सारे सवालों का जवाब दे दिया जिनकी जरूरत थी। कई लोगों के अलग अलग आरोप थे कि किसी के माध्यम से किसी के लिए आक्रामक हो सकता है, लेकिन अविनाश ने साफ तौर पे कहा इनकी पूरी प्रक्रिया या पूरा कामकाज सिर्फ जनता के लिए। इन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि बीती सत्ता अगर काम करती तो उन्हें नौमत ना आती। इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हालात होंगे तो हो सकता है गठबंधन किससे भी किया जा सके। अब आने वाले समय ही बताएगा कि आयुक्त से कब होती है मुलाकात अविनाश यादव की। वो मुलाकात देखने वाली होगी, और देखने वाला ये होगा कि किस प्रकार का वातावरण तैयार होता है वसई विरार में। मन से आज के लिए धन्यवाद।